हेलो देयर एवरीवन, माय नेम इज सार्थक। वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको हाउस टूर प्लस रूम टूर दूंगा अपना, एंड आसपास घर के भी दिखाऊंगा कि कैसे का एरिया है सारा कुछ। आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि रूम टूर लेके आओ, रूम टूर लेके आओ, तो आज मैं लेके ही आ गया हूँ रूम टूर। तो इस वीडियो को प्यार देना, एंड अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, एंड मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दो। और अब चलते हैं वीडियो के अंदर। पहले मैं आपको ग्राउंड फ्लोर दिखा देता हूँ, मेरा रूम ऊपर है। तो यार अब चलते हैं वीडियो के अंदर और मैं आपको पहले ग्राउंड फ्लोर दिखा देता हूँ। मैं हूँ अभी राइट नाउ किचन के अंदर। तो ये है मेरी किचन। बाहर अभी ठंड बहुत है, मैंने स्लीपर्स ला लिए, मैं पीछे नहीं जाऊँगा। ये लॉन एरिया है, ये स्टोव हो गया, इसके नीचे ओवन, माइक्रोवेव, और यहाँ पे अभी ये कबर्ड का डोर लगना है, एंड यहाँ पे अभी डिश वॉशर या कुछ आएगा क्योंकि ये जस्ट रिसेंटली घर रेनोवेट हुआ है। ये लॉन्ड्री हो गई, इसके अंदर ड्राई क्लीनिंग है, नीचे वॉशिंग है, ऊपर भी कबर्ड्स हैं। इधर मैंने अपना सामान रख लिया, बहुत सारी दालें और ये भी मैंने अपने दो खाने ले लिए। यहाँ पे मेरी प्लेट्स वगैरह आ गई, बाकी बेसिक पैन वगैरह, और यहाँ पे किसी और का सामान है। अब आपको दिखाते हैं फ्रिज। ये फ्रीज़र है। ये जो टॉप वाला एरिया है मैंने ले लिया, ये नीचे किसी और का है, और ये साइड्स पे। और अब यहाँ से देखो ये व्यू है, और अगर आप यहाँ से लेफ्ट हो जाते हो तो यहाँ पे एक रूम है जो कि मेरे हिसाब से आज शाम को यहाँ पे जो टेनेंट है वो आ जाएंगे रहने के लिए। ये बस रूम है और यहाँ पे क्लोज़ेट नहीं है। बाहर चलते हैं। ये वॉशरूम है नीचे वाले फ्लोर का। दिस इज़ द वॉशरूम। वॉशरूम काफ़ी अच्छा साफ सुथरा बना हुआ है। घर ये बिल्कुल न्यूली रेनोवेटेड है, एंड अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हल्का फुल्का काम पड़ा है। तो बाहर चलते हैं। ये एक मिरर, यहाँ पे जैकेट्स टांग लो अपनी, यहाँ पे अपने बूट्स रख लो। ये जो रूम है यहाँ पे एक कपल आ रहा है जो कि फिर से आज शाम तक आ जाएगा शिफ्ट होने के लिए। तो मैंने सोचा अभी कोई आया नहीं है तो फटाफट से वीडियो बना लेते हैं, बाद में नहीं बना पाऊँगा। अब चलते हैं ऊपर। मैं पहले आपको साइड वाला रूम दिखा देता हूँ, एंड देन उसके बाद वॉशरूम, फिर अपना रूम। ये मेरा रूम है। और आप देख सकते हो बाहर स्नो हुई हुई है इस टाइम पे। कल स्नो हो रही थी, पूरी रात स्नो हुई है। ये क्लोज़ेट है। ये ओनर का रूम है, इसके अंदर मैं नहीं जा सकता। ये छोटी सी क्लोज़ेट है सामान रखने के लिए। और ये है ऊपर वाला वॉशरूम। मेन कंसर्न ओनर का यही था कि जो मेरा घर है उसको क्लीन रखो, क्योंकि वो खुद यहाँ रहते हैं, तो मेक श्योर कि आप इसको अपने घर की तरह रखो। और मेरे को क्लीन रहना बहुत अच्छा लगता है, आई एम अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, तो मेरे को ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे विंडो है, भी आपको थोड़ी देर में बाहर भी लेके जाऊँगा। ये बाथरूम एरिया आ गया यहाँ का। तो अब चलते हैं अपने रूम के अंदर, एंड अपना रूम दिखाता हूँ। मैंने अपने रूम के अंदर कल थोड़ा सा काम किया है। इस साइड पे कल यहाँ पे क्लोज़ेट आ जाएगी, फिर ये लगेज खाली हो जाएगा और यहाँ पे क्लोज़ेट आ जाएगी, फिर मैं अपने कपड़े वगैरह उसमें रख दूँगा। ये है मेरा बेड, और इसके नीचे मैंने अपने लगेज रख दिए ताकि रूम थोड़ा क्लीन लगे। ये जो बेड है ये मेरा खुद का अपना है, मैं लेकर आया हूँ ये बेड, साथ में मैट्रेस भी। ये जो नीचे मैट है ये ओनर ने दिया मेरे को। फिर ये जो टेबल है ये भी मैं खुद का लेके आया हूँ। इधर मैंने बेसिक अपना थोड़ा बहुत सामान रखा है। यहाँ पे मैंने अपनी जैकेट्स टांग दी, और ये जो आप लाइट देख रहे हो मैं इंडिया से लाया था, तो मैंने टेप्स के साथ आप देख सकते हो ये टेप्स लगी हुई हैं,
मैंने कल टेप्स के साथ ये लगाई है, तो छोटी है बट ठीक है, इट विल वर्क, यहाँ तक आ गई तो रात को काफ़ी अच्छी लगती है। ये जो टेबल है, डेस्क और चेयर, ये मेरे को ओनर ने दी है, तो काफ़ी कंफर्टेबल है, क्योंकि मेरा जो कोर्स है वो IT का कोर्स है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा काम सारा लैपटॉप पे ही होगा, तो मेरे को एक कंफर्टेबल चेयर और टेबल चाहिए था। उसके अलावा आई लाइक टू रीड बुक्स, तो मैं इंडिया से अपनी 2-3 बुक्स लेके आया हूँ। ये वाली मैं पढ़ चुका हूँ, बट आई लव दिस बुक एटॉमिक हैबिट्स, मैं फिर से पढ़ूंगा। बाकी मेरी सिस्टर ने मेरे को एक जर्नल दी थी जो मैंने इस ईयर शुरू करनी है। एक पेन स्टैंड, मेरे को थोड़ा बहुत गेमिंग का भी शौक है, एलेक्सा, ये तो बहुत काम की चीज़ है। तो आपको दिखाते हैं बाहर का व्यू, ये ओपन हो जाती है, यहाँ पे जाली लगी हुई है एक, ये आप देख सकते हो जाली लगी हुई है, इसको नहीं मैं हटाऊँगा। इस घर के अंदर 2 डॉग्स हैं, बहुत सुंदर से मैं उनको देख रहा था और फिर मेरे को उनको देख के अपने डॉग की याद आ रही थी। और ये जो पीछे है ये सारा पार्क है वहाँ पे, और काफ़ी शानदार प्रॉपर्टी है। तो ये भी ऐसे नीचे हो जाता है, विच मेक्स द रूम इवन बेटर। तो ये था मेरा रूम टूर, मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ एंड बाहर का एरिया दिखा देता हूँ कैसे क्या। और अगर डिस्टेंस की बात करें इस घर से मेरा कॉलेज, तो वो सिर्फ 4-5 मिनट्स की वॉक पे है, बस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, 2 ब्लॉक्स दूर है, बस यहाँ से बाहर निकलते राइट लेते ही मेरा कॉलेज आ जाएगा। एंड अगर रेंट की बात करें, इट्स $700, आई नो एक्सपेंसिव है थोड़ा, एंड मैंने मार्केट प्लेस पर बहुत जगह ट्राई किया, मेरे को 650 से नीचे प्राइवेट रूम तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा था, शेयरिंग भी अराउंड 400-500 पहुंच रहा था। तो मैंने सोचा अगर $200 और डाल के अपना कंफर्ट मिल रहा है वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि प्राइवेसी से ज़्यादा बेटर तो कोई चीज़ है ही नहीं। आई नो मैं अपनी जॉब से लिविंग है वो बड़े आराम से मैनेज कर लूँगा, दैट्स नॉट अ बिग डील, तो बड़े आराम से हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम वेज पे भी देखें तो $1,200-1,300 मंथली आ जाएंगे, एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग जो स्टैंडर्ड लिविंग है यहाँ पे मेरे जैसे के लिए विदाउट कार, तो बड़े आराम से निकल जाएगी, सिर्फ रेंट देना है, ट्रांसपोर्टेशन का कोई खर्चा नहीं है। अगर वही मैं बात करूँ, मैं दूर ले लेता घर, तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ही $120-130 मंथली लग जाते अगर मैं पास भी बनवाता, तो इट्स बेटर कि मेरे को पास में मिल गया, मेरे एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली कम ही लग रहे हैं। तो अभी बाहर चलते हैं, मैं जैकेट्स और अपने विंटर बूट्स डाल लेता हूँ। फटाफट से जैकेट डाल देता हूँ एंड चलते हैं। तो यार मैंने अपनी जैकेट डाल ली है और चलते हैं बाहर, बाहर जाके आपको एरिया दिखाता हूँ। उससे पहले यहाँ पे ये वाला लॉक भी है, इसको सेट कर देंगे, बट अभी एज ऑफ नाउ आई यूज द की, क्योंकि मेरे को कोड नहीं पता है। स्नो पड़ी हुई है बाहर, लेकिन ये जो जैकेट है -30 तक जल जाएगी, ये विंटर बूट्स -32 तक। एक चीज़ अगर आपको बताऊं, यहाँ पे बिल्कुल भी गलती मत करना अपने रेगुलर शूज़ डाल के स्नो में चलने की, क्योंकि अगर एक बार गिर गए बैक पे इंजरी होगी तो वो जल्दी ठीक नहीं होती। तो इट्स बेटर कि आप अपना प्रॉपर विंटर गेयर डालो तभी स्नो के अंदर जाओ, प्रॉपर शूज़, प्रॉपर जैकेट, ठंड नहीं लगनी चाहिए बिल्कुल भी। तो स्नो तो पूरी पड़ी हुई है, आई एम इन द सिटी ऑफ ब्रैंडफोर्ड और बिल्कुल कॉलेज के पास रह रहा हूँ। स्नो आपको दिखाता हूँ, ये देखो स्नो। तो यार विंटर्स के अंदर ना यहाँ पे मेरे को आते ही पहले 1-2 दिन तो बहुत ज़्यादा ठंड लगी, हाथ पूरे जम रहे थे, लेकिन अब बॉडी यूज टू हो गई है, अब मुझे ठंड नहीं लग रही हाथों को, नॉर्मल सा फील हो रहा है। एंड अभी आपको व्यू दिखाता हूँ। तो अभी स्टॉप साइन है, आप ये पार्क देखो, बस स्टॉप भी है। ब्रैंडफोर्ड बहुत बड़ा टाउन नहीं है, बहुत छोटा सा टाउन है ये, ये कोई एक पार्क है बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर जगह है ये। तो ये अलेक्जेंडर पार्क।
फीवर की वजह से सब कुछ बंद है एंड कल को खुलेगा। और मैंने काफ़ी जॉब्स भी अप्लाई करी हैं कल घर से बैठ के, जैसे कि वॉलमार्ट, फ्रेशको, नो फ्रिल्स, काफ़ी जगह पे अप्लाई करा है। एंड लेट्स सी अगर कहीं से ऑफर आती है जॉब करने के लिए। आप देखो बहुत सारे स्टोर्स हैं, टिम हॉर्टन्स, डॉलरामा, बॉस्टन पिज़्ज़ा, काफ़ी सारे स्टोर्स हैं यहाँ पे, फ्रेशको। ये ब्रेंडीज़ है, ये सारी मार्केट, ये सामने फार्मर्स मार्केट है और पीछे ब्रैंडफोर्ड की पब्लिक लाइब्रेरी। ये यहाँ का कैसीनो है ब्रैंडफोर्ड का। आइस स्केटिंग कर रहे हैं यहाँ पे सब। दिस इज हार्मनी स्क्वायर। अभी मैं डाउनटाउन में हूँ। आपने देखा पूरी सिटी कैसे की दिखती है, कैसे का एरिया है ये। इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, यहाँ पे प्लान करने का सोच रहे हो, देन यू मस्ट कम ओवर हियर। इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। तो यार अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे, ऑल्सो अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। फिर दोबारा मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।